हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 13.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 2। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, इसको देखते हैं। फर्स्ट नंबर एक्स एंड वाई के वैल्यू निकालने, रियल वैल्यू निकाले एक्स एंड वाई का। दिया है एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू में 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू में यहाँ पर दिया हुआ है 4 प्लस का आयोटा। एक काम करते हैं, ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में भेज देते हैं, तो आपका एक्स प्लस आयोटा वाई ही ना इधर बच जाएगा। चलिए देखते हैं, 4 प्लस का आयोटा और वाई में 2 माइनस का 3 आयोटा। अब चलिए आगे इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू में देखिए 4 प्लस का आयोटा और वाई में है आपका 2 माइनस 3 आयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा से न्यूमिनेटर में भी और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी। चलिए देखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू में हो जाएगा, देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 प्लस का 12 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा और प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर। और नीचे देखिए एक बार माइनस प्लस में है तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस का आयोटा वाई इक्वल टू में हो जाएगा 8 प्लस का 14 आयोटा और प्लस का 3 इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, बाई में 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा माइनस 3 स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 1। अब इसके आगे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू में हो जाएगा 8 प्लस का 14 आयोटा माइनस का 3, वाई में आपका हो जाएगा 4 प्लस का 9, तो हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू में आ जाएगा 5 प्लस का 14 आयोटा और वाई में 13। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू में 5 बाई 13 एंड यहाँ प्लस में आ जाएगा 14 बाई 13 आयोटा। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 5 बाई 13 एंड y का वैल्यू आ जाएगा 14 बाई में 13। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।